الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لله. समंदर में पूरे के पूरे जहाज को हुतियों ने उड़ा डाला है। समंदर में जलता हुआ ये है एमवी ट्यूटर, हुतियों का ये सबसे बड़ा हमला है। कहा जा रहा है कि हुतियों ने इस जहाज को ऐसी क्षति पहुंचाई है कि ये जहाज डूब गया है। अब इस जहाज की तस्वीरें हुतियों ने जारी की है और हुतियों की तरफ से जारी की गई तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि मालवाहक जहाज पर कैसे हमला हो रहा है। सबसे पहले धमाके दिखाई देते हैं, एक के बाद एक कई धमाके, और धमाकों के बाद धुएं का अंबार और आग का गोला इस जहाज पर दिखाई दे रहा है। इस जहाज को लाल सागर में हुतियों ने अपना निशाना बनाया और उसे खाक कर दिया। यमन के हुतियों ने इस वीडियो को जारी किया है 20 जून को और यह हमला हुतियों ने 12 जून को किया था। ये एक ग्रीक ओन्ड एमवी ट्यूटर कोल करियर था जिसे लाल सागर में निशाना बनाया गया और इस पर बहुत सारा कोयला लदा हुआ था और अब ये पूरी तरीके से लगभग डूब गया है। रॉयटर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये मालवाहक जहाज एमवी ट्यूटर है, क्योंकि इसका डिजाइन और शेप और शिप एंटीना और डेक की तस्वीरें एमवी ट्यूटर से मिलती हैं। इसके अलावा जहाज का नाम भी उस पर लिखा हुआ है और रॉयटर्स इस खबर की पुष्टि करता है कि ये एमवी ट्यूटर का ही वीडियो है। ट्यूटर पर मिसाइल और एक्सप्लोसिव से लदे कंट्रोल्ड बोट से हमला किया गया, जिसके बाद ये कई तरफ से क्षतिग्रस्त हो गया। और इस पर UKMTO यानी यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने इस बात की पुष्टि की है कि ये जहाज कई हमलों के बाद डूब गया है। लाल सागर में हूतियों का ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है जब कोई जहाज डूबा है। सबसे पहले गैलेक्सी लीडर जहाज को हूतियों ने अपने कब्जे में लिया, उसके बाद एक और जहाज और अब फिर से एक और जहाज। पिछला जहाज जो डूबा था उसमें खाक लदा था और इस जहाज पर लदा है कोयला। दरअसल हूती जहाजों को निशाना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो फिलिस्तीन का साथ देने के लिए और इजराइल के खिलाफ खड़े होने की बात करते हैं, और लाल सागर में वो हर उस जहाज को टारगेट कर रहे हैं जिसका किसी भी तरह से संबंध पश्चिमी देशों या फिर इजराइल से है। हालांकि शुरुआत में हूतियों ने इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं की थी कि यह जहाज डूबा है, लेकिन अब हूतियों ने इसका वीडियो जारी किया है। इस जहाज पर कई क्रू मेंबर्स थे जो कि डूब गए हैं। फिलहाल एमवी ट्यूटर पर जितने भी क्रू मेंबर्स मौजूद थे उनमें ज्यादातर फिलीपींस के लोग थे, और अब भी फिलीपींस ने उन मौतों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि जहाज के डूबने के बाद वो तमाम जो क्रू मेंबर्स थे वो भी डूब गए हैं। यूएस की तरफ से कहा गया कि ये अलकायदा के पैटर्न का हमला है। जब साल 2000 में यूएसएस कोल पर अलकायदा ने हमला किया था, वो भी एक्सप्लोसिव से लदी बोट्स के सहारे, अब उसी पैटर्न पर हूती जो है हमला कर रहे हैं और पूरे के पूरे जहाज को डुबा दे रहे हैं। फिलहाल यूएसएस कोल जो है वो यूएस नेवी ऑपरेशन का हिस्सा है, जो कि यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर के साथ लाल सागर में हूतियों के शिकार पर निकला है। पर पश्चिमी देशों का अलायंस फिलहाल पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हूती लगातार उन कार्गो शिप्स पर हमला कर रहे हैं जो इस रास्ते से गुजर रहे हैं। अब तक हूतियों के हमले से कई जहाज जो है वो बचकर निकल गए हैं, लेकिन दो जहाजों को हूतियों ने डुबा दिया है, और उसी में से एक की सबसे ताजी तस्वीर है एमवी ट्यूटर की, जहां पर इस जहाज को पूरी तरीके से इन हूतियों ने अपने हमले का शिकार बना दिया है। ट्यूटर एक लाइबेरियन झंडे वाला ग्रीक ओन्ड बल्क कैरियर था जिस पर अनमैन्ड स्मॉल क्राफ्ट से हमला किया गया, और बताया गया कि इसमें जो हथियार इस्तेमाल हुआ है वो एक पूरी एक्सप्लोसिव से लदी बोट का इस्तेमाल हुआ, इसके अलावा मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ, और उसे ले जाकर जहाज में टकरा दिया गया ताकि बड़ा धमाका हो, ज़्यादा नुकसान हो, और निचले हिस्से में बड़े नुकसान की वजह से पूरा का पूरा जहाज डूब सा गया। इस हमले के बाद हवाई हमले भी इस जहाज पर किए गए, यानी ऊपर और नीचे हर तरफ से इस जहाज को पूरी तरीके से चोटिल किया गया ताकि जहाज डूब जाए। यानी हूती पहले से इस प्लानिंग में थे कि इस जहाज को किडनैप या हाईजैक नहीं करना है बल्कि इसे डुबो देना है ताकि पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।